हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम इन माय न्यू वीडियो। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम हियर विथ सीएमए मुस्कान जैन। सी इज कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अभी मुस्कान जेएलएल में जॉब कर रही है। एंड इनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल है। रीजन क्या, इन्होंने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए अपने सीएमए जर्नी में, काफी अटेम्प्ट्स भी लगे एंड उसके बाद भी सीएमए कैंपस प्लेसमेंट में इन्होंने जॉब लिया। तो मुझे तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी, होप सो कि आपको भी बहुत अच्छी लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुस्कान कि आपने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आई। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होता है कि आपने सीएमए को क्यों चूज किया? आई थिंक ये बहुत ही सिली रीजन होगा जो मैं बताऊंगी, बिकॉज आफ्टर ट्वेल्थ आई हैव नो आईडिया व्हाट टू डू विद माय करियर। सो ऑफ कोर्स अ कॉमर्स स्टूडेंट इज हैविंग थ्री ऑप्शंस। सीएमए तो हमको पता ही नहीं रहता है, मोस्टली सीए और सीएस रहता है। सो सीएस इज ऑल अबाउट मोस्टली अबाउट थ्योरी, सो आई वाज नॉट इनटू थ्योरी एट ऑल। Talking about CA, everyone is like CA करना है, तो उसमें competition बहुत ज़्यादा है। तो one of my uncles told me कि CMA कर लो, अच्छा है, costing है, एक exam का भी IELTS को कर लेते हैं। तो I just entered into CMA so normally and so casually. Okay, so जब आपने CMA में casually आपने enter किया, I think आपने class 12th के बाद आपने CMA start किया होगा, right? Yeah. सो एक्चुअली फिर फाउंडेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगा था, बिकॉज आई थिंक 10th 12th में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, मतलब मेरे जैसे बच्चे, हो सकता है मे भी आप ध्यान देते हो। तो आपका कैसा था? एक्चुअली मैं हमेशा से स्टूडियस तो रही हूँ, मतलब माय पेरेंट्स नेवर हैड टू टेल मी कि पढ़ लो जाके। ओके, बट ये था कि फाउंडेशन में जब हम एंटर करते तो वी फील लाइक स्कूल लाइफ खत्म हो गया, लेट्स एंजॉय। और हम लोग मोस्टली कोचिंग में बाहर होते हैं दोस्तों के साथ, तो मैं काफी घूमती थी। 4 महीने का कोचिंग मैंने किया था, तो 3 महीने तो आई वाज नॉट स्टार्टिंग एट ऑल। लेकिन लास्ट में आते आते जब थोड़ा टेस्ट वगैरह रिविजन चलते हैं उस टाइम पे बच्चे आंसर्स देते हैं, तो दैट हिट मी वन डे, हिट मी हार्ड कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं फेल हो गई अगर फाउंडेशन मेरी बेइज्जती हो जाने वाली है। आफ्टर दैट आई जस्ट स्टडीड फॉर 18 आवर्स एंड इवन मोर देन दैट। लास्ट के 10 to 12 days में पढ़ रही थी पागलों की तरह, मैंने पढ़ा एंड देन आई गॉट अराउंड 322 out of 400, सो इट वॉज अ नाइस स्कोर। या ग्रेट, मैं तो मेरे टाइम में 200 मार्क्स के फाउंडेशन होते तो मैं तो 106 आए थे। बट आई डिड सी, तो हमेशा मैं बाउंड्री पे भी करते हैं तो उनका अच्छा रहता है। हां, मैं हमेशा बस बाउंड्री लाइन को टच कर लेता हूं, उससे ज्यादा नहीं जाता। तो फिर आपने जब इंटरमीडिएट में आप गए फाउंडेशन के बाद, तो उसके बाद फिर आपने किस तरीके से किया? बिकॉज फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट थे, इंटर में 8 सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल न्यू, एक तरीके से सिर्फ अकाउंट को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या था, कैसा था आपका? When I entered into इंटर ना, तो पहले तो अपना एक था कि एक ग्रुप देना, तो अपने बस की बात हुई। तो मैंने इंटर की ग्रुप की कोचिंग शुरू करी थी, तो साथ साथ मैंने अपना थोड़ा अपना फोन डांसिंग का रहता है, इसके साथ क्लासेस भी लगा दिए थे। तो सुबह कोचिंग कर रहे हैं, दोपहर में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप की क्लास हाफ डे तक ही रहती है। तो वो करती थी, फिर मैं डांसिंग में रहती थी, फिर मैं रात को पढ़ाई करके सोते फिर से अगले दिन कोचिंग आ जाती। तो मेरा वन ग्रुप मतलब काफी स्मूथली चलता था, बट लेटर आई रियलाइज कि मुझे 2 ग्रुप देना चाहिए, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर एक भी बंदा कर सकता है तो अपन भी कर ही लेंगे। तो आफ्टर दैट मे बी माई अटेम्प्ट वॉज ड्यूरिंग डिसम्बर एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई आई ऑप्टेड फॉर द अदर ग्रुप एज वेल। तो उसके बाद मैंने उसके कोचिंग शुरू करे। बट जो मेरी गलती थी वहां पर वो ये थी कि मैं बहुत ओवर एम्बिशियस हो गई थी और दिन रात बस पढ़ते रहती थी। तब मेरे क्लासेस चलते थे डांसिंग के लिए, तो ये नहीं था कि मैंने सब छोड़ दिया था, बट बाय गॉड्स ग्रेस वो हो भी गया क्लियर दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में। बट इट वाज रियली टफ फॉर मी, क्योंकि जब मेरा पहला काउंस एग्जाम हुआ था तो वो बहुत बेकार हुआ था, और हम लाइफ में पहली बार इतना टफ पेपर देने जा रहे, तो उस टाइम पे लगता है कि कैसा होगा। दैट डे आई गॉट लेट आल्सो इन द सेंटर, तो वो एक एंजाइटी रह गई थी। तो उस दिन के बाद आई वाज लाइक मुझे और पेपर देने नहीं है, बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स हू सपोर्टेड मी कि बाकी के पेपर्स दो, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा, 2-3 पेपर निकाल लो, एग्जामिशन आ जाएगी, एक ग्रुप निकल जाएगा। बट अल्टीमेटली मेरे सारे एग्जाम्स निकल गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आई वाज रियली हैप्पी। या ग्रेट, सो आपने इंटर बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था, राइट? या दैट टाइम आई वाज वर्किंग फॉर रैंक आल्सो, बट वो नहीं आया था। कोई नहीं, बोथ ग्रुप क्वालिफाई के एक अटेम्प्ट में बहुत बड़ी मायने वाली बात है, सो मेरे से तो नहीं हुआ था।
देन आपने जब लास्ट टाइम क्या होता है एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने फाइनल में बोथ ग्रुप की तैयारी की थी, तो लास्ट टाइम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोथ ग्रुप से सिंगल ग्रुप पे आ जाते हैं, मेरे से स्टडी नहीं हो पा रहा, तो क्या अब मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ भी आया था कि यार बोथ ग्रुप मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं सिंगल पे चली जाती हूँ, ऐसा कुछ? यार टू बी ऑनेस्ट ऐसा थॉट तो मैंने कभी लाया ही नहीं, बिकॉज जब से मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो तो पॉप किया था, माय व्हाई वाज वेरी क्लियर कि मुझे क्यों करना है, आई लिटरली वांटेड टू क्रॉस माय लिमिट्स, क्योंकि आप तो कई लोगों से सुनोगे कि नहीं कर सकते वो ग्रुप, हम लोग हमेशा एवरेज रहे हैं, वो ग्रुप बहुत बड़े बड़े दुरंधर ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, तो मुझे एक चीज वो निकालनी थी कि यस आई कैन डू इट, एनी वन कैन डू इट, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपका रीजन क्लियर है व्हाई यू वांट टू डू इट, तो यू कैन डू इट. हाँ बट कई बार ऐसा लगता था कि फेल हो जाऊंगी, बट स्टिल आई यूज्ड टू कीप गोइंग कि हो जाएगा और अल्टीमेटली आखिरी दिन तक मैं उसको करती थी, दैट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट. डेफिनेटली आप बिल्कुल सही बोले, सबसे मतलब मैटर यही करता है कि आपका डेडिकेशन क्या है, और अगर आप उस डेडिकेशन के साथ अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो आपको अचीवमेंट जरूर मिल जाती है, तो सेम आपके केस में भी ऐसा ही हुआ. सो जब आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया देन आपके लिए आपके पास फाइनल था एंड आपको अपनी सीएमए ट्रेनिंग भी करनी थी, तो हम ट्रेनिंग के लिए थोड़े से बाद में बात करेंगे, पहले हम फाइनल के लिए बात करते हैं. तो आपने फाइनल की स्टडी किस तरीके से की एंड वहां पे भी कुछ चैलेंजेस आए आपके साथ या नहीं? फाइनल का तो मेरा एक्चुअली काफी ही डिफिकल्ट रहा था, क्योंकि एक पॉइंट आता है कि जब इंटर निकल गया बोथ ग्रुप निकल गया तो अब अपना जो लेवल है एक अपना एक्सपेक्टेशन है वो डबल हो जाता है कि हमने एक साथ निकाला अब हमको रैंक लाना है और रैंक भी अच्छा वाला लाना है. तो डे एंड नाइट आई यूज टू स्टडी, पूरा पूरा दिन पढ़ते रहना, कुछ और करना नहीं. मैंने तो एक टाइम पे मतलब वो एक लेवल दिमाग को इतना स्ट्रेस दे देना कि अब और कुछ नहीं बस अब पढ़ाई पढ़ाई है, वो चीज़ गलत है और वही मैंने किया था. तो उस टाइम पे मैंने अपनी सारी अदर एक्टिविटीज छोड़ दी, इनफैक्ट मैंने फ्रेंड्स बनाना भी छोड़ दिया था कि मेरे को बस टाइम वेस्ट नहीं करना, एक साल में दोनों ग्रुप निकाल के रैंक लाना है, वो भी टॉप 10 वाला रैंक लाना है. तो आई यूज टू स्टडी लाइक अ रोबोट, लिटरली कोई ब्रेक्स नहीं देती थी, 3-3 घंटे मुझे होश नहीं होता था, लगातार 3 घंटे पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है और मैं वो कर लेती थी, लेकिन फिर कह सकते कि मेरे ब्रेन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ने लगा था इस चीज का. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई थी कि टू बी ऑनेस्ट इन द मंथ ऑफ नवंबर आई वॉज not studying for the whole month and my time was due in December. So I was sleeping for the whole day. I was literally into depression and I couldn't do anything and I lost that attempt miserably. So ye kafi bekar raha tha mera first attempt. So actually आपका खुद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गया था और जिसकी वजह से आपने टोटली एक मतलब लाइफ को वन साइडेड कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपने फेस की. तो होप सो कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं थोड़ा सा इन सब चीजों को समझना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने लाइफ को एंजॉय भी करते रहो साथ में, तभी आपकी लाइफ बैलेंस रहेगी एंड आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपकी लाइफ में. सो फिर आप उससे ओवरकम किस तरीके से आप हुए, बिकॉज आपने 8-9 महीने आई थिंक आपने पढ़ा और एट दी एंड आके आप पेपर ही नहीं दे पाए, सो कैसा था? एक्चुअली पेपर्स मैंने दिए थे 8 बट उस टाइम ऐसा था कि चलो पेपर देना ही है, घर पे किसी को कुछ नहीं बताना कि नहीं पढ़ाया कुछ है, पेपर देकर आई थी, 8 पेपर दिए थे और वो टाइम काफी टफ था क्योंकि पेपर में कुछ आता नहीं था, तो बस देने जाती थी कि हाँ कैसे भी करके पेपर देने हैं. लेकिन फिर जब मैं फेल हुई तो ऐसा था कि 8 में से 6 सब्जेक्ट में फेल थी, तो उस टाइम वो मेरी लाइफ टाइम फेलियर था, मेरा पहला फेलियर था, हॉरिबल था. उस टाइम आई वाज लाइक कि मैं क्या करूँ, मैं क्यों करूँ, बट मेरे टीचर्स हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, स्पेशली राघव गोयल सर जिन्हें शायद आप जानते हो, राइट. तो उन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी ऐसा डाउन फीलिंग नहीं होने दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते. और माय पेरेंट्स माय एक वो फ्रेंड्स का रहता है कि हम कैसे फ्रेंड्स बना रहे हो, वो मेरी किस्मत में काफी अच्छा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड रही है हमेशा, हमेशा वो मेरे साथ रही है. उसके अगले दिन एग्जाम होते थे कॉलेज के, वो पहले दिन मेरे पास आ रही होती थी अगर मुझे कोई इशू रहता था. तो मेरे फेलियर के बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत संभाला था, यस यू कैन डू इट, यू आर अ ब्राइट स्टूडेंट, यू कैन डू इट. उसके बाद से फिर स्लोली स्लोली मैंने दोबारा शुरू करा, अपने आप को टाइम देना शुरू करा. अगर टेंशन होती थी, क्योंकि हम जब अगर बोथ ग्रुप या सिंगल ग्रुप भी दे रहे हैं, ये प्रोफेशनल कोर्स है, हमको टेंशन होगा. अगर हम कितने तोप भी हैं कि हम मैच्योर हैं, हमें एंग्जाइटी नहीं रहता है, हमको होगा. तो उसके लिए हमें कुछ नॉर्मल ब्रेक्स लेने चाहिए, हम पढ़ रहे हैं ब्रेक ले लो, कुछ और चीज में इंटरेस्ट आता है उसको साथ साथ कर लो. बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी कोर्स में घुसे हैं उसको लाइफ बना लेते हैं, बट दैट इज नॉट टू बी डन, टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस. तो सेकंड अटेम्प्ट से मैंने शुरू करा कि मैं अपनी लाइफ को टाइम देने लगी, खुद को टाइम देने लगी, और वहां से ना सेल्फ रियलाइजेशन भी शुरू हुए. मैंने यूट्यूब पर बहुत वीडियोज देखे अपने आप को ठीक करने के लिए, सदगुरु के वीडियोज देखे, संदीप महेश्वरी के वीडियोज देखे,
स्वामी मुकुंदानंद रहते हैं, इनसे मेरे को काफी अच्छी थेरेपी मिल रही थी। तो इससे मैंने सीखा अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल करना, अपने सोल को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक से चीजों को कैसे मैनेज करना है। तो धीरे धीरे मैं अपनी पढ़ाई को ठीक करती रही, डेली डेली पढ़ती थी, और उस टाइम पे फिर कोविड आया था। तो कोविड के टाइम से ये रहता था कि सब जब फर्स्ट वेव था तो एक डेथ होता था तो ऐसे डर लगने लगता था कि अपने घर में कुछ ना हो जाए। अब तो कितने भी हो रहे थे, इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो ये भी डर था। तो वो वाली एंजाइटी होती थी, मैं उसके लिए खुद को टाइम देती थी। पेपर का डर लगता था, मैं दोस्तों से बात करती थी, उन लोगों से बात करती थी जो इस चीज से निकल चुके हैं, ताकि हमको एक लाइव एक्सपीरियंस मिले, बिकॉज हम हवा में कुछ नहीं कर सकते। तो स्लोली स्लोली वो कर रही थी, पेपर पोस्टपोन हो जा रहे थे, उसकी एंजाइटी हर बच्चे में रही होगी क्योंकि ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है इस टाइम पे, बट व्हाट इंस्टीट्यूट कैन डू जब सिचुएशन ऐसा कर रही है। तो हमें उसके लिए ठीक करना था खुद को, मैं वो पढ़ रही थी। लेकिन एट दी एंड फिर नवंबर के मंथ में आई गेस मेरे फैमिली के तीनों मेंबर्स को कोविड हो गया। आई एंड माई ब्रदर वॉज ओनली वर ओनली द वन जो रह गए थे, तो वो डर एक बैठ गया। और तब दिसंबर में अपना टेंथ था, तो उस टाइम ये था कि मैंने तो 8 पेपर पढ़ रखे हैं, लेकिन अब मैं रिविजन कैसे करूँ क्योंकि दिमाग तो उधर जा ही नहीं रहा है, और ऊपर से वो जो र्यूमर्स फैलते हैं कि सब मर रहे हैं कोविड में, ये है वो है, वो बहुत डर आता है। तो उसकी वजह से मेरे को बहुत टेंशन रहने लगी थी। तो वो टाइम मेरा ऐसे निकल गया था, कम से कम 20 दिन नवंबर के ऐसे निकले थे, और बाय गॉड के से पोस्टपोन हो गए। तो मैं लिटरली उसको अपनी किस्मत मानती हूँ कि वो पोस्टपोन नहीं होते तो मैं पता नहीं फिर से क्या कर रही होती। तो वो जनवरी में गए, फिर मैंने पूरा दिसंबर अच्छे से पढ़ाई किया, जनवरी में मैंने फिर से दोनों ही ग्रुप लिखे, कभी एक के बारे में सोचा ही नहीं। एंड आफ्टर दैट होली वाले दिन रिजल्ट था, मैं मजे से होली खेल रही थी, मेरा रिजल्ट आया, मैं 2 नंबर से लॉट में रहती थी। तो वो बहुत बेकार था, बट उस टाइम मुझे रोना भी नहीं आया। हाँ, मतलब खुशी था कि एक ग्रुप तो निकल गया है, बट पता है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फाइनल में मेरे 422 नंबर आए थे और एसएफएम में 33 आया था, तो मेरा ग्रुप 3rd रह गया था, ग्रुप 4 निकल गया। तो खुशी भी था, दुखी भी था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। एक वो पॉइंट आ जाता है ना कि दोनों ग्रुप हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें एक साथ निकालना है, उसका बेनिफिट अलग मिलता है। रैंक के लिए मोस्टली हम लोग बोथ ग्रुप लिखते हैं, तो दोनों में से कुछ नहीं मिला और 2 नंबर से एक पेपर है जिसके लिए मैं सारे साल पढ़ रही थी, क्योंकि लॉ मेरा थोड़ा ऐसा था कि खराब रहता था, मैं सारे साल उसको पढ़ रही थी, डेली पढ़ रही थी, और वो 2 नंबर से रह गए, तब मैं क्या करूंगी। हाँ, डेफिनेटली। सो फिर सिर्फ आपका लॉ का पेपर ही रह गया था जो आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिया। तो इस बार लॉ में 50 का टारगेट था आई थिंक जो नहीं नहीं लॉ में मेरा काफी अच्छा टारगेट था, क्योंकि एक पेपर बचा था तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज आ गई थी, अब तो लॉ की बजा नहीं है। ओह माय गॉड। तो फिर मतलब कितने मार्क्स आए लॉ में, क्योंकि मेरे तो कभी नहीं अच्छे आए ना। 64 आए मेरे। ओह माय गॉड, बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था। मेरे को मतलब मेरी कॉस्टिंग में 59 आई थी, उन्होंने एग्जेम्पशन नहीं दिया, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 69 आया। ये लोग मजे लेते हैं हमसे। हाँ, तो ऐसी चीजें होती है। सो इसके बाद आपका, आप सीएमए क्वालिफाइड कर गए, आपके कैंपस एंड आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को आपने किस तरीके से किया, एंड आप थोड़ा उसके बारे में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैं कहूंगी कि मैंने बोलो। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मैंने 3 जगह से की थी। सबसे पहले डेफिनेटली सीएमए फॉर्म मेरा टारगेट रहा है हमेशा से, क्योंकि नॉर्मली अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां पर हमको बेसिक्स टू बी ऑनेस्ट नहीं मिलता है इतना अच्छे से सीखने को। तो मेरे को यह था कि सीएमए फॉर्म में जाऊंगे वो लिटरली हमें कंप्यूटर ऑन करना भी सिखाने वाले हैं, तो वहां से मेरा बेसिक काफी अच्छा क्लियर हो गया। मैंने लिटरली बस 3 महीना काम किया था सीएमए फॉर्म में, और उन्होंने काफी कुछ सिखा दिया था मुझे। तो माइंड थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ चीजों को लेकर, बेसिक्स क्लियर हुआ। मैंने कॉस्ट ऑडिट में भी काफी असिस्ट किया था, 2 कॉस्ट ऑडिट किए थे। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरा जब सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आया तो मेरा 2 मार्क्स रह गया था, बट बिफोर दैट मैं डीएचएल में एक इंटरव्यू दे चुकी थी और उसका ऑफर लेटर अलॉन्ग विद दैट आ गया मुझे। तो मेरा दिमाग कुछ ऐसे चला, जून में एग्जाम है, एक पेपर है, तो लेट्स जॉइन दिस, वहां से 1 महीने का छुट्टी लेकर प्रिपेयर। तो फिर वो एग्जाम भी पोस्टपोन होकर दिसंबर हो गया था, तो फिर मेरा पूरे साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था। ऑलमोस्ट 1 महीने का बचा था, तो मैंने नवंबर पूरा ऑफ लिया था वहां से, और फिर ब्लॉक के पेपर की तैयारी की थी। टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग इन बीएचईएल, वहां पर भी मैंने 3 डिपार्टमेंट्स में काम किया था, तो मुझे वहां पे भी काफी एक्सपोजर अच्छा मिला। मेरा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा हो गया था, नॉट दैट गुड बट काफी अच्छा हो गया था, तो एक्सपोजर काफी अच्छा रहा वहां पे। तो बीएचईएल कहां पे, नोएडा या फिर ग्रीन पार्क? नहीं, या ग्रीन पार्क कॉर्पोरेट ऑफिस। अच्छा, कॉर्पोरेट ऑफिस। और देन कैंपस प्लेसमेंट के लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन किया? बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि मेरे बहुत सारे टाइम लग गए, मेरा कैंपस नहीं होगा। सो इसके लिए आप एक तरीके से एक्सेप्शन हो, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
कैंपस में, एक तो मैं ये बताऊंगी कि ऐसे नेगेटिव लोगों से कृपया दूर रहें जो तुम्हें बोल रहे हैं कि यार अटेम्प्ट लग गया मेरे भी तेरे भी, हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है. राइट. तो वो लोग खुद को तो डिग्रेड कर ही चुके हैं, साथ साथ तुम्हें भी उसमें शामिल करे जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता था. काफी इरिटेट होती थी ऐसे लोगों से तो मैं फोन साइड रख देती. तो जब कैंपस से पहले हमारा पीपीओपी ट्रेनिंग वॉज वेरी अमेजिंग, मतलब जो पीपीओपी होता है वो हमें जरूर लेना चाहिए. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड स्टैंडिंग अप इन फ्रंट ऑफ एवरीवन एंड स्टार्टेड स्पीकिंग. मेरा मोटिव यही था मुझे अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, क्योंकि पढ़ाई तो हम कर ही लेंगे लेकिन जो इंटरव्यू में बात आती है अब वहाँ रिटर्न का काम नहीं है, वहाँ बोलने का काम. तो वो चीज रहती थी पीपीओपी में. मैंने बहुत ध्यान से हर चीज सुनी, सारे फैकल्टीज आते थे, इतना अच्छा पढ़ाते थे, हमें ग्रुप डिस्कशंस कराते थे, इंटरव्यूज लेते थे, हर चीज हुई थी, वो काफी अच्छा रहा था. तो अलॉन्ग विद दैट मैं, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने फाइनेंशियल न्यूज पेपर पढ़ना शुरू किया था. वो मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड किया था, नॉर्मल इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह सब लोग यूज करते हैं. तो उसमें मुझे पढ़ने में इतना अच्छे से नहीं आता था, बट वो मैंने ट्रेनिंग के टाइम से शुरू किया हुआ था. तो धीरे धीरे हमने उसको पढ़ना शुरू करा, तो मेरे को पहले नहीं आता था दोबारा, फिर मैं लगातार डेली डेली पढ़ रही होती थी, तो मुझे काफी हद तक समझ आने लगा 40%, 50%. तो बेसिक आइडिया रहता था कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है. तो वो चीज ठीक थी. उसके बाद अपने, मेरा लॉ का पेपर बचा था, तो मैंने एक साल तक और कोई सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं था. तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स का रिविजन करना है. वो कहीं से भी पूछ सकते हैं कुछ भी. आई कैन नॉट से कि मैं अगर इस प्रोफाइल के लिए जा रही हूँ तो वो दूसरे सब्जेक्ट नहीं पूछेंगे, बेसिक बीपी वगैरह सब पूछ ही लेते हैं. तो मेरे को हर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी थी, तो मैंने उसको थोड़ा स्मार्टली प्लान करा, बिकॉज आई कुड नॉट रिवाइज द होल सिलेबस अगेन. ना एक महीना था बस. तो इसके लिए मैंने ये सब किया था. मैंने अपनी ट्रेनिंग छोड़ी थी, जो कि मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज काफी सही चल रहा था ट्रेनिंग में, आई वॉज एंजॉइंग द ट्रेनिंग. लेकिन मुझे इतना पता था कि मुझे अगर अभी मैंने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी तो मेरा कैंपस बेकार हो सकता है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती. तो मैंने ऐसी दिल पे पत्थर रख के अपनी ट्रेनिंग छोड़ दी. उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई शुरू करी. अलॉन्ग विद दैट हमने ग्रुप्स बनाए अपने पीपीओपी के थ्रू, हमारे बहुत फ्रेंड्स बने, हमने ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप बनाया, हमने रिटन टेस्ट की तैयारी करी, हम डेली एक दूसरे का इंटरव्यू कंडक्ट करते थे ताकि वो जो एक फियर रहता है इंटरव्यू वाले दिन का वो हमारा निकल जाए. तो उससे हमारा काफी फायदा हुआ था. हमने सारे इंटरव्यू डेली, हम लोग लिटरली डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा रात को 9 से 10, 8 से 10 बैठे होते थे, एक दूसरे का इंटरव्यू कर रहे होते थे, ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते थे. और कभी कभी तो आई यूज टू फील कि यार इन लोग को इतना अच्छा आता है, मेरे को तो कुछ नहीं आता है. तो फिर मैंने उसको थोड़ा पॉजिटिवली लेके और पढ़ना शुरू करा और चीजों को ठीक करना शुरू करा, तो वो मेरा इम्प्रूवमेंट होने लगा. अब कैंपस प्लेसमेंट की बारी आती है, बच्चों को शॉर्टलिस्टिंग आना शुरू होती है, मुझे नहीं आती है. तो वो थी पीएसयू की शॉर्टलिस्टिंग. अब पीएसयू डेफिनेटली इट्स अ हार्श कोर्स, वो तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को ही लेने वाले या रैंक होल्डर्स को. तो ये है तो है इसको. फिर अब मेरे दिमाग में ये चला कि मैं नहीं हूँ, तो अब मैं इसमें कर क्या सकती थी, दिस वॉज टोटली बियॉन्ड माई कंट्रोल. तो मैंने इस चीज को दिमाग से निकाला, शांति से पढ़ा, और मेरा मेजर फोकस हमेशा से एमएनसीज पर ही रहा है. मैं अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल में भी डाले रखती थी मेरे विश लिस्ट में मेरी एमएनसी है जो कि मुझे मिल गई है. अब वो कैसे मिली है, फर्स्ट डे में मेरा कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं था क्योंकि मैं पीएससी उसका मोस्टली था, तो मेरा शॉर्ट लिस्टिंग नहीं आया था. बट आई वेंट ओवर देयर फॉर द वेरी फर्स्ट डे टू सी व्हाट्स हैपनिंग. तो उस टाइम मेरे को औरों को देख के थोड़ा बुरा तो लगा कि सबका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है. तो फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बात नहीं. फिर मैं हाफ डे में सुबह 7 बजे हम वहाँ पहुंचे थे, मैं 11:30 निकली, मैंने घर जाके फिर से अपना पढ़ना शुरू कर दिया. और अगले दिन फिर हम, मेरा 2 कंपनीज में इंटरव्यू था, आई वाज रिजेक्टेड इन बोथ द कंपनीज. तो उनका तो वहाँ का भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ आप, कि मतलब क्या रीजन था रिजेक्शन का. हाँ मैं बता रही हूँ, सीखे आ रही हूँ. तो पहले कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, वो प्रोफाइल मेरे नॉलेज को मैच नहीं कर रहा था. तो मैंने फिर जितना मैं कर सकती थी उसके लिए, प्रोफाइल के लिए मैंने रीड करा, वो प्रोफाइल भी मैच कर रहा था. मैं एक दिन में, आधे दिन में कितना पढ़ लूंगी. तो मैंने कैसे भी घुमा फिरा के आंसर देने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया मुझे. फिर दूसरी कंपनी आई, उसका भी प्रोफाइल का इशू था. तो मैंने पता नहीं क्यों उस इंटरव्यू में डायरेक्टली सर को कह दिया कि सर इस प्रोफाइल में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, बस मैं इंटरव्यू दे दी. अब उन्हें समझ आ गया कि बच्चा डायरेक्टली कह रहा था, वो रिफ्यूज ही करेंगे. तो आखिरी दिन मैं कहूंगी मेरे 6 अराउंड 6 इंटरव्यूज थे. तो उस दिन मेरा ये समझ लो कि मैंने पहला इंटरव्यू दिया जेएलएल का, उसमें मेरा क्लियर हो गया, तो मैंने बाकी के इंटरव्यूज ही नहीं दिए. तो मेरे ये समझ लो 8 के अराउंड कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग आई थी. तो उनमें से मैंने 3 में इंटरव्यू देते, 3rd में आई गॉट सिलेक्टेड. उसके बाद मेरा मन ही नहीं था इंटरव्यू देने के, बिकॉज आई वॉज रियली वेरी सैटिस्फाइड विद व्हाट आई एम गेटिंग. तो एक मैं रिज्यूम का पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ कि अपने रिज्यूम को बहुत परफेक्ट बनाना पड़ेगा हमें. परफेक्ट मींस परफेक्ट,
अपनी फॉर्मेटिंग ध्यान में रखनी होगी, और जो हम लिख रहे हैं वो हमें आना चाहिए। अगर तुम झूठ भी लिख रहे हो तो तुम्हें झूठ भी आना चाहिए। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट यू आर राइटिंग इन योर रिज्यूम। अपने रिज्यूम को सबसे पहले प्रिपेयर करो, उसके बारे में पढ़ो। अगर आप अपनी साइड एक्टिविटीज भी लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप नॉर्मल ऐसे कुछ हवा में नहीं उड़ा रहे कि हाँ भाई मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं फुटबॉल का भी नहीं पता है। तो ये सारा ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, बस यही है कि अपने रिज्यूम को जस्टिफाई करना आना चाहिए। So, आपने जब JLL में जब आपने इंटरव्यू दिया तो वहां पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू हुए थे, थोड़ा आप उसके बारे में बताओ। एक्चुअली ये थोड़ा वियर्ड था मेरे साथ, क्योंकि नॉर्मली 150 बच्चे शॉर्टलिस्टेड थे, 7 गॉट सिलेक्टेड। तो उसमें से 3 राउंड्स सिर्फ मेरे ही हो रहे थे, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ था। तो हर बच्चे को 2 राउंड में सिलेक्ट कर लिए, मेरे 3 राउंड ले लिए उन्होंने, बट कोई बात नहीं, अच्छे गए थे। पहला राउंड HR था हमारा। HR में उन्होंने हमारा रिज्यूम भेज ही पूछा था, बहुत नॉर्मल इंटरव्यू था वो। उसमें थोड़ा मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन चला था, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू इट, तो आई न्यू अबाउट इट। तो दोस टू पीपल वर आल्सो गेटिंग एंगेज विद मी, वर फीलिंग कनेक्टेड, तो हम लोग का उस पर डिस्कशन काफी अच्छा चल रहा था। उसके बाद सेकेंड राउंड में ये समझ सकते कि टेक्निकल और रिज्यूम से रिलेटेड थोड़ा मिक्स था। मेरा प्रोफाइल इंडेक्स 115 का था, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का था। तो जो सेकंड इंटरव्यू था उसमें उन्होंने रिज्यूम से रिलेटेड काफी चीजें पूछी थी कि कॉस्ट ऑडिट क्या है, तो कैसे किया है, रिटर्न फाइलिंग का तो चलो इतना नहीं पूछा था, नॉर्मली कॉस्ट ऑडिट वगैरह थोड़ा मेजरली दिखता था। और BHL की ट्रेनिंग का काफी एक्सपोजर रहा है मेरा, 1 ईयर का, तो उसका उन्होंने पूछा था काफी। उसके अलावा उन्होंने इंडेक्स 115 का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा था कि होता क्या है, वो 5 फेमस स्टेप्स जो रहते हैं वो उन्होंने पूछे थे, मैंने वो बता दिए। सेकेंड इंटरव्यू के बाद आई वॉज कॉन्फिडेंट हो जाएगा। अब आता है थर्ड इंटरव्यू, प्रॉपर टेक्निकल इंटरव्यू। मैं उसमें गई, अभी मेरा तीसरा दिन कैंपस था। पहले दिन हम 5 बजे उठे हैं, दूसरे दिन हम 5 बजे उठे, तीसरे दिन हम 5 बजे उठे हैं, मेरा दिमाग ब्लॉक है। और टेक्निकल इंटरव्यू में जर्नल एंट्री हमसे पूछी गई है, मैं कमीशन रिसीव को डेबिट कर रही थी। एंड सेकेंड टाइम उन्होंने पूछा मुझसे कमीशन रिसीव, इनका सर क्रेडिट होगा, अभी तो आप डेबिट कह रहे थे, इनका सर वो गलती से बोल दिया था। अब उन्होंने हमको इंडेक्स 115 के रियल लाइफ केस स्टडीज पूछे थे, उनमें से मैं कहूंगी कि कुछ आंसर कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। और जब मेरा वो इंटरव्यू हुआ था कंप्लीट, आधे घंटे का टेक्निकल चल रहा था, उससे ज्यादा ही चल रहा होगा, मैं बाहर आई एंड आई वाज लिटरली अबाउट टू क्राई कि मेरा थर्ड राउंड इतना खराब हुआ, मैं सिलेक्ट नहीं होने वाली हूँ। बट उसके बाद आई डोंट नो, मेरे रिज्यूम के बाद जो भी डिस्कशन हुआ होगा, ही कॉल्ड मी इनटू द HR रूम एंड ही वाज लाइक यू सिलेक्टेड एंड आई वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड द पैकेज ऑफर वॉज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग देयर राइट नाउ। और बहुत अच्छा लगता है, पूरा वर्क लाइफ बैलेंस है मेरा, वीकेंड ऑफ रहता है, मैं अपनी पर्सनल चीजों पर फोकस कर सकती हूँ, अगर कभी हेक्टिक रहता है तो उसका कॉम्पेंसेशन मिल जाता है, तो वेरी नाइस। सो एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, JLL में जैसे कि अगर कैंपस में बच्चों को हायर करते हैं तो एक एवरेज रेंज ऑफ पैकेज, मतलब वो क्या ऑफर करते हैं? JLL में एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, तो मेरे को अराउंड 6 ऑफर किया गया था इन हैंड, और जिन बच्चों का एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंगली दे इंक्रीज इट, तो इट्स अ क्वाइट डिसेंट पैकेज। और उसके अलावा हमारे इंसेंटिव भी काफी हो जाते हैं, तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट CPC, बट इन हैंड वाज अराउंड 6। ओके, बट दोज हु आर हैविंग एक्सपीरियंस, मतलब जो बाहर से भी सिलेक्ट हो रहे हैं ऑफ कैंपस, उनको अगर एक्सपीरियंस है तो उनको और ज्यादा मिलता है। ओके, सो इसके अलावा और आप कुछ एड ऑन करना चाहो तो आप कर सकते हो। एड ऑन में यही करना चाहूंगी कि जैसे मैंने इतने चैलेंजेस फेस करे बट आई हैव बीन थ्रू इट, तो अपना थोड़ा माइंड सेट रखो, योर वाई शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्यों कर रहे हैं। और अगर कभी चैलेंज आता है कि नहीं हो रहा यार, आपको बिल्कुल नहीं हो रहा है, हैव फेथ इन गॉड, सब हो जाएगा। अगर आप सही हो और आप मेहनत कर रहे हो तो सब हो सकता है, इट्स ओके, सब होता है। मेरा भी हो गया, आपका भी हो जाएगा, मेरी तो इतनी लंबी जर्नी चली थी, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन, फर्स्ट में इंटर एंड फाइनल, टू ऑलमोस्ट 3 ईयर्स, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड इतना ज्यादा बढ़ गया, बट स्टिल वो पेशेंस अपने अंदर लाना जरूरी है एंड यू मेक श्योर दैट आई एम जॉइन द प्रोसेस। एकदम से सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक साल बाद मैं कहाँ पर हूँ, तुम अभी कैसे जी रहे हो ये बहुत मैटर करता है, अदरवाइज वो हमारे मेंटल इशूज जो बढ़ जाते हैं ना, वो बहुत इफेक्ट करते हैं अपनी लाइफ को, तो वो हमें करना नहीं है, नॉर्मल रहना है, खुश रहना। यस, थैंक यू मुझे भी सजेशन देने के लिए। नहीं, डेफिनेटली चैलेंजेस तो मैंने भी बहुत फेस किए, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करूंगा, अभी तक नहीं रिकॉर्ड किया है। आई एम वेटिंग, या राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ। सो होप सो कि ये स्टोरी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लगे, एंड मुझे तो काफी अच्छी लगी। थैंक्स फॉर कमिंग हियर
एंड ऑल जो भी आपके एक्सपीरियंस थे, बिकॉज देखो चैलेंजेस सबके लाइफ में आती है एंड आपको कभी होप लूज नहीं करना चाहिए. जैसे फर्स्ट डे इनका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, कहीं शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हुआ था और लास्ट डे इतने सारे ऑप्शंस थे इनके पास. सो ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है. मुझे देखो, मैं पहले जेनपैक में जॉब कर रहा था, मुझे नहीं पता था, एसेंचर्स में बस कॉल आया और मुझे डबल पैकेज मिल गया. ठीक है, तो कब लाइफ कहाँ चेंज हो जाए कोई नहीं जानता. इसलिए आपको अपने जो लाइफ का जो आपका गोल है उसके ऊपर बस काम करते रहना है. बस स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस. आई थिंक मैं इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा फॉलो करता हूँ. बेटर लेट देन नेवर. या सो थैंक्स.